हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा तांत्रिक साधनाओं से कैसे किए जाते हैं भूत प्रेत को वश में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे तांत्रिक साधनाओं से भूत प्रेत को वश में किया जा सकता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। हम आपको श्रीमान तंत्र और हिंदू तंत्र उन साधनाओं के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो इस साधनाओं के साथ साथ लेते हैं उनकी बातें भूत प्रेत जिन बेताल और पिशाच में मानते हैं। यह बातें हमें सुनने को असंभव लग सकती है, पर तंत्र विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। अवश्य जाने तंत्र के अनुसार इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं सम्मोहित शक्तियाँ, कर सकते हैं किसी भी को भी सम्मोहित। तंत्र साधन के नियम सभी साधनाओं से कुछ कॉमन नियम है जो इस प्रकार है। पहला नंबर में है, ये सभी साधना एकांत में या किसी विशेष स्थान पर की जाती है। दूसरा नंबर है, गुरु के बिना इस तरह की साधनाएं नहीं की जा सकती है। तीसरा नंबर पे है, साधना की साफ साफ रखना ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। चौथे नंबर पे है, साधना में खुद को हाथों के बना भोजन ही करना होता है। पांचवा नंबर पे है, चमड़े के सामानों का उपयोग करना पूरी तरह वर्जित है। छठा नंबर पे, साधना के दौरान मांस मदिरा व किसी भी तरह का नशा करने पर साधना फलीभूत नहीं होती है। जिन साधना सुलेमान तंत्र में ये मुख्य रूप से माना जाता है कि 100 भूत प्रेतों की बराबर ताकत एक चिन्ह में होती है, इसे साध लेने पर ये दिखाई देते हैं और साधक आपकी इच्छा अनुसार जिनके इच्छा या पूरा काम करवा सकते हैं वो इस साधना से किसी दूसरे इंसान की व्यक्तिगत चीजों की जानकारी भी हासिल कर सकता है। बड़ी साधना सुलेमान तंत्र में ये एक प्रमुख साधना है। वैसे तो बड़ी साधना अन्य तरह की होती है, लेकिन साहपड़ी साधना सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई साधना कर ले तो साहपड़ी उसके सामने हाजिर हो जाती है और उसकी हर इच्छा पूरी करती है। फिर चाहे वो इच्छा धन से जुड़ी हो या किसी अन्य चीज से जुड़ी हुई हो। क्रम विशाचनी साधना मानता है कि अगर मौत के बाद मुक्ति ना मिले तो आत्मा की क्षमताओं का आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। इसके लिए ऐसी शक्तियाँ पाने के लिए विशाच साधना की जाती है। इस साधना की सिद्धि के बाद किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई विशाचनी कान में आकर देती है। इसे करने वाला इंसान सामने बैठा व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी बता सकता है। किंकरी साधना प्रेत योनि में जाकर जीव कई बार उत्पत्ति हो जाती है। साधक इतना लाभ उठाते हैं, इसके लिए अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, मंत्र जाप ही काफी होता है। ये साधना 100 को पीठ पर होती है। इस साधना सिद्ध होने पर प्रेत आदेश के अनुसार काम करता है। बेताल साधना, यह साधना रात में निर्जन स्थान पर की जाती है। इसमें बहुत शक्तियां प्रेत योनि बेताल को अपने वश में किया जा सकता है। इसके लिए बेताल यंत्र का माला का उपयोग किया जाता है। तंत्र की मानता है कि इस साधना पर जब बेताल प्रसन्न होते हैं तो वे साधना करने वाले की इच्छा हर इच्छा पूरी करते हैं और इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वीर साधना, वीरों की संख्या 52 बताई जाती है। इन्हें भैरवगण कहा जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में वीरों के कई मंदिर है। वीर साधना किसी एकांत स्थान पर की जाती है। कई दिन कई रात तक महाकाली की पूजा करने के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। डाकिनी साधना तंत्र जंत के डाकिनी का नाम प्रचित है। ये नाम आते हैं उस गुंड भगवान की मांग में आती है। एक भयानक रूप और गुण की महिलाओं की आकृति उभरती है जो पैशाचिक गुण रखती है। वास्तव में ये काली एक स्वरूप है। यह शक्ति मूल धान शिवलिंग का भी आधार है। डाकिनी साधना कर लेने पर साधक इससे अपने सारे काम पूरे करवा सकते हैं। नोट, इस तरह की खबर से हमारा उद्देश्य किसी के अंधविश्वास फैलाना नहीं। हम सिर्फ गुप्त विद्याओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं।